फ्रेंड्स आई वाइबा वेलकम टू हरिसान एकेडमी। टुडेज वीडियो इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विथ सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो, सो प्लीज सी दिस वीडियो टिल एंड। एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर इन टू लैंग्वेज, वन इज इन इंग्लिश एंड अदर इन इज हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली मैं पहले आपको क्या करना चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि इंस्पेक्शन क्या होता है और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। कंसिडर कर लिए दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी है, ठीक है। तो कंपनी ए में क्या हुआ है कि कंपनी ए ने 1000 जॉब्स क्या किए, एक रॉड है उसका साइज़ है 25 प्लस माइनस 0.5 का उसका साइज़ है। उन्होंने क्या किए, वो 1000 जॉब मैन्युफैक्चर किए, पहले प्रोड्यूस किए, फिर वो 1000 जॉब क्या किए उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए, मतलब चेकिंग के लिए लिए। तो क्या करेगा एक बंदा, क्या करेगा माइक्रोमीटर या वर्नियर जैसा आपका टॉलरेंस है उसके हिसाब से क्या करेगा, वो 1000 जॉब चेक करेगा और फिर उसमें जो जॉब विद इन, मतलब वो जो आपका साइज़ दिया है स्पेसिफिकेशन उसके विद इन है या नहीं वो चेक करेगा, जो नहीं है वो जो बैड है उनको साइज में करेगा, जो ओके है उसको साइड में करेगा। ये कब तक करेगा, वो जब तक आपके 1000 जॉब कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। और कंपनी जो बी है उसमें क्या है कि जो कंपनी का ओनर है उसने क्या किया है, एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया है कि वो सिस्टम में क्या है कि एक जो मशीन पे जॉब मैन्युफैक्चर कर रहा है जो बंदा, वो क्या करेगा पांच जॉब में एक जॉब चेक करेगा, फिर जो इंस्पेक्टर है या मतलब जो कुछ क्वालिटी का बंदा है वहाँ पे, वो क्या करेगा 10 जॉब में एक जॉब चेक करेगा। तो क्या होता है कि कंसिडर करिए ऑपरेटर ने आया है, ऑपरेटर आया उसने एक जॉब मैन्युफैक्चर किया, फिर उसने उसका साइज़ देखा, स्पेसिफिकेशन देखा जिसको वो दिया है उसके हिसाब से, फिर उसको समझ में आया कि कुछ जॉब थोड़ा सा डिविएट हो रहा है, तो वो क्या करेगा मशीन में करेक्शन करेगा, फिर जॉब बनाएगा, फिर चेक करेगा, अगर ओके आया जॉब तो फिर प्रोडक्शन चालू करेगा, ठीक है। ऐसे दो आपके साथ एग्जांपल्स है, एक में क्या हो रहा है कि एक में ऑलरेडी जॉब मैन्युफैक्चर करने के बाद वो चेक कर रहे हैं और एक में क्या है कि आपके आगे के जॉब खराब ना हो इसके वजह से जो कुछ कर रहे हैं उसको आप क्या कह सकते हो क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हो, और आपका जो कंपनी ए है उसमें क्या कर रहा है इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है। ऐसे दो एग्जांपल के उसके हिसाब से अभी ये जो डिफरेंस है वो देखते हैं। पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, बाद में पैरामीटर है, फिर इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल है। तो अभी देख सकते हैं कि आपका सीरियल नंबर फर्स्ट, आप मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि पहला क्या होना चाहिए, आपका डेफिनेशन होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है इंस्पेक्शन का, इट इज़ द एक्ट ऑफ चेकिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन एंड सॉर्टिंग आउट द फॉल्टी प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल इसमें क्या है कि इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटिंग क्वालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एट वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस द योर प्रोडक्ट एट मोस्ट इकोनॉमिकल लेवल एंड टू सेटिस्फाई द कस्टमर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है आपका स्कोप का, स्कोप क्या है इसका, ये क्या है इंस्पेक्शन क्या है कि पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, ओके। और ये क्या है, इट इज़ अ बोथ टर्म, इट इज़ बहुत बड़ी टर्म है जिसके अंदर क्या आता है आपका इंस्पेक्शन आता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा इंस्पेक्शन करोगे तो वो मतलब वो क्वालिटी कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने क्या लिखा है, मोर इंस्पेक्शन मीन्स नॉट क्वालिटी कंट्रोल। आफ्टर दैट थर्ड इज डिवाइस, डिवाइस क्या यूज़ कर रहे हैं उसमें आप, यहाँ पे आप क्या करते हो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, वर्नियर, माइक्रोमीटर, ठीक है, फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर, टूल मेकर्स, माइक्रोस्कोप, ये सब यूज़ करते हो। फिर यहाँ पे क्या यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ होता है स्टैटिक्स, ठीक है, कंट्रोल चार्ट्स, वेंडर क्वालिटी रेटिंग, वेंडर रेटिंग, ये सब प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, ये सब इसमें क्या होता है यूज़ होता है क्वालिटी कंट्रोल में। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट इज योर अप्लीकेबिलिटी, मैंने जैसे बताया कि ये क्या है पास प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है उसको आप सॉर्ट आउट करते हो, लेकिन इसमें क्या है कि इट्स फ्यूचर प्रोडक्शन, आपका फ्यूचर में पार्ट्स रिजेक्ट ना हो इसलिए क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल काम करता है। आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर इज कंसर्न, किसका काम है इंस्पेक्शन, किसका काम है इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्टर का काम है, ओके। और ये क्या क्वालिटी कंट्रोल किसका काम है, हर एक बंदे का काम है जो कंपनी में काम कर रहा है, मतलब परचेस वाला ने बंदे ने अगर अच्छा मटेरियल लिया तो ही फिर वो जॉब अच्छा प्रोड्यूस होगा, अगर परचेस वाले ने अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस नहीं किया तो ऑपरेटर ने कितना भी अच्छा जॉब प्रोड्यूस करने का कोशिश किया तो भी कुछ ये नहीं, इसलिए क्या इट्स एवरीबडी कंसर्न, ठीक है।